हिमाचल डायरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में शौचालय सुविधा ना होने से खफा व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल अपना रोष प्रकट करने नगर परिषद कार्यालय पहुंचा। व्यापारियों ने ईओ अशोक शर्मा से मुलाकात की और जल्द भोजपुर में शौचालय निर्माण की मांग की है। व्यापारियों ने ईओ अशोक कुमार से मुलाकात की। उन्होंने इस शौचालय के निर्माण में हो रही देरी से उन्हें अवगत करवाया और इस समस्या का जल्द से जल्द निपटारा करने की मांग की। आपको बता दें कि भोजपुर बाजार का एकमात्र शौचालय लगभग 2 महीने पहले ही तोड़ा गया है, जिसका आज तक निर्माण कार्य नहीं किया गया। इस बारे में जब ईओ अशोक शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने इसका टेंडर होने की पुष्टि की। ठेकेदार को इस शौचालय के निर्माण के लिए जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं, ताकि व्यापारियों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। समस्या एक्चुअली ओल्ड टॉयलेट था, ये स्वच्छ भारत मिशन में हमने इसको कवर करने की कोशिश की, फंड्स भी आ गए, कुछ पोर्शन इसको डिसमेंटल किया, इसको अब थोड़ा सा टेंडरिंग प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग गया, ये जल्दी काम शुरू हो गया। ये इसके टेंडर हो चुके हैं, अवार्ड लेटर इशू हो चुका है, ठेकेदार ने हामी भरी है, मैं 2-3 दिनों में काम कर दूँगा, इसको स्टार्ट कर दूँगा, उसने आज के लिए बोला था, लेकिन ये 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, सुंदरनगर। देश में कई लोगों को समय पर खून ना मिलने के कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हर साल लाखों की संख्या में लोग सही समय पर रक्त ना मिलने के कारण मारे जाते हैं। तभी तो रक्त को महादान और जीवनदान कहा गया है। रक्तदान के को प्रेरित करने की कड़ी में सिविल अस्पताल सुंदरनगर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हर साल की भांति इस साल भी कांग्रेस के पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह ठाकुर की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिविल अस्पताल सुंदरनगर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शेर सिंह ठाकुर के छोटे भाई सीपीएस सोहन लाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और करीब 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि आज पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर सिंह की 16वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 16 वर्ष से लगातार इस शिविर का आयोजन करती आ रही है। आज पूर्व विधायक ठाकुर शेर सिंह जी की पुण्य स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और इस तरह के कार्यक्रम लगातार पिछले 16 वर्ष से हम यहाँ कर रहे हैं। पहले सिर्फ हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज़ का आयोजन करती थी, जैसे उनका निधन हुआ, अब इसमें पूरा यूनिट हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भी, युवा कांग्रेस भी और हमारे दूसरे संगठन के लोग भी इकट्ठा होकर इस कार्य को करते हैं, ताकि लोगों के दिलों में उनकी याद बनी रहे और उनके द्वारा जो यहाँ विकास कार्य किए गए हैं उनकी पुण्य स्मृति में। और वैसे भी ब्लड डोनेशन का जो कार्य है रक्तदान का, उससे मैं समझता हूँ कि हजारों हजारों जिंदगियाँ बचाने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, सुंदरनगर। हमीरपुर स्थित आधार इंस्टीट्यूट की छात्रा कनिका ने पीयू सेट में टॉप रैंक हासिल किया है। इसके लिए संस्थान के एमडी अटल शामा ने कनिका को ढेरों शुभकामनाएं भी दी। हमीरपुर स्थित आधार इंस्टीट्यूट की छात्रा कनिका ने पीयू सेट में टॉप रैंक हासिल किया है। कनिका आधार इंस्टीट्यूट के संकल्प 30 बैच की छात्रा है। आपको बता दें कि एक साल पहले ही आधार इंस्टीट्यूट ने संकल्प 30 की शुरुआत की थी। संस्थान के एमडी अटल शामा ने बताया कि संकल्प 30 में 30 छात्रों को एडमिशन दी जाती है और छात्रों को एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। कोचिंग के बाद छात्रों का चयन न होने पर उनकी पूरी फीस लौटाई जाती है। इसके लिए पहले ही छात्रों के साथ लिखित एफिडेविट साइन किया गया होता है। अटल शर्मा ने बताया कि आधार इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू किए गए संकल्प 30 का पहली ही बार में अच्छे नतीजे आए हैं। संकल्प 30 बैच में संस्थान 30 बच्चों का चयन कर जेईई नीट एग्जाम के लिए तैयारी करवाता है।
इसमें संस्थान 29 बच्चों को लिखित रूप से सिलेक्शन की गारंटी देता है। यदि एक वर्ष के उपरांत बच्चों की सिलेक्शन नहीं होती तो उसकी पूरी फीस वापिस कर दी जाती है। वहीं संकल्प 30 में संस्थान की छात्रा कनिका ने पीयू सेट में 93.087% अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा अंजलि, अनिशा, शैलजा, कोमल, प्रतीक ने भी पीयू सेट परीक्षा उत्तीर्ण कर संस्थान का नाम रोशन किया है। संस्थान के एमडी अटल शर्मा ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं की है। वहीं उन्होंने कहा कि संकल्प 30 के बैच के लिए प्रवेश परीक्षा भी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए आप आधार इंस्टीट्यूट से संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। पंचायती राज संगठन के राज्य महामंत्री लाल सिंह कौशल ने आगामी विधानसभा चुनावों में नाचन से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वे पिछले 25 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इस बार वे हाई कमान से टिकट की मांग करेंगे। कौशल ने कहा कि नाचन में कांग्रेस का टिकट हासिल करने के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं है। कौशल ने कहा कि उन्होंने बड़ा देव कमरूनाग के मंदिर में शीश नवाजने के बाद गांधी कमरूनाग और देशी पंचायतों से अपने चुनाव का जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। लाल सिंह ने कहा कि नाचन में कांग्रेस के कार्यकर्ता अच्छा नेतृत्व चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वे कांग्रेस हाईकमान से टिकट की मांग करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर नाचन से कांग्रेस पार्टी का टिकट टेकचंद डोगरा को भी मिलता है तो भी वे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूती दिलाने का कार्य करेंगे। जहां नाचन चुनाव क्षेत्र का प्रश्न है, नाचन चुनाव क्षेत्र में लोगों में थोड़ी असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, बहुत सारे नेता जो है टिकट के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। उन्हीं नेताओं में से मैं भी कांग्रेस पार्टी की सेवा में 26 वर्षों से समर्पित हूँ। मैं संगठन में 26 वर्षों से निरंतर काम कर रहा हूँ। मैंने यूथ कांग्रेस का प्रधान, जिला का उपाध्यक्ष, जिला का महामंत्री, आज मैं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संगठन का हिमाचल प्रदेश का महामंत्री हूँ और जिला सुंदरनगर का मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। मैं पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे नाचन चुनाव क्षेत्र की जनता के साथ घर घर जा कर के रूबरू घर घर जाऊँगा और लोगों की समस्या, जो नाचन में एक अफरा तफरी का माहौल है, हमारे जो माननीय विधायक हैं आदरणीय श्री विनोद कुमार जी, उनका अखबारों की सुर्खियों में कई दिनों से खबरें आ रही है कि उन्होंने अपनी विधायक नीति का दुरुपयोग किया है। मैं आदरणीय विनोद कुमार जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो अपनी ऐच्छिक नीति का दुरुपयोग किया है, आप उसकी सफाई क्यों नहीं पब्लिक में देते? अगर आप साफ हैं, पाकदामन हैं, तो उस चीज़ को आप पब्लिक के बीच में जाकर के बात आप वहां बताइए। नहीं तो हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का पंचायती राज संगठन के लोग कि आपको नैतिकता के आधार पर जो है अपना इस्तीफा हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है सौंप देना चाहिए। जहां आदरणीय डोगरा जी का प्रश्न है, आदरणीय डोगरा जी ने 40 वर्षों से वो सक्रिय राजनीति में हैं। वो पीछे आज की डेट में वो हमारे आदरणीय चेयरमैन हैं, विधायक रहे हैं, हमारा उनसे कोई गिला नहीं है। लेकिन जो नाचन चुनाव क्षेत्र के लोगों की मांग के ऊपर जो है, जो चाहते हैं कि हर जगह टिकट का बदलाव होना चाहिए, तो उस करके डोगरा जी का हमारा, अगर डोगरा जी को कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो हम डोगरा जी से कोई ये नहीं है, डोगरा जी से हमारा कोई ये नहीं है। हम चाहते हैं डोगरा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको तो टिकट मांगने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन नाचन चुनाव क्षेत्र के लोगों की जो मांग है, इस बार सभी चाहते हैं कि नाचन में टिकट चेंज हो और नया चेहरे को आगे उतारा जाए। लाल सिंह कौशल के अलावा इससे पहले भी कई कांग्रेसी नेता टिकट दावेदारी की मांग पार्टी हाईकमान के समक्ष रख चुके हैं। वहीं नाचन के पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा भी पार्टी हाईकमान के समक्ष अपने नाम की जदोजहद में लगे हुए हैं। टेकचंद डोगरा का मानना है कि अब की बार उन्हें कई विरोधी दलों का सहयोग मिल रहा है, जिससे नाचन में कांग्रेस का परचम लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, गोहर।